हाय एवरीवन, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही हेल्पफुल सीरीज जिसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको मैं यूज करके जो अपने बालों की फ्रिजीनेस को एंड मोस्टली जो डैमेज जो होता है उसको साइड में रखती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द एपिसोड 1। नंबर 1 इज कि अपना हेयर वॉश जो है बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपने सपोज एक हफ्ते के अंदर जो आप एक बार हेयर वॉश करते हैं और आपको लग रहा है कि आपके बाल जो है अब धीरे धीरे जो है काफी ऑयली होते जा रहे हैं, ग्रीजी होते जा रहे हैं और बहुत ही बहुत बुरी हालत हो रही है आपके बालों की, सो डू दैट हेयर वॉश ऑन दैट डे ओनली। उसको जो है पूरे एक हफ्ते तक मत खींचे, क्योंकि ऐसा होगा कि आपके बाल जो है वो मैनेज नहीं कर पाओगे आप और उसके बाद जो है बैड यू विल ब्लेम कि काश हम धो लेते, एंड इसकी वजह से जो है वो टाइम्स गैप जो है आपके बालों में फ्रिजीनेस को बढ़ा देता है। ऑल्सो डू नॉट ओवर डू योर हेयर वॉश। अगर आपको लग रहा है कि आपके बाल एक हेयर वॉश के बाद जो अगले दिन ही गंदे हो जाते हैं, तो प्लीज ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल दीजिए, अपने बालों को थोड़ा रेस्ट दीजिए और ओवरडू मत करिए हेयर वॉश की। भाई हमने कल सिर धोया था, आज फिर धो रहे हैं, हम कल फिर धोएंगे, रोज धोते जा रहे हैं, ऐसे में आपके बाल जो है सबसे पहली बात तो झड़ेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उसको वो टाइम मिल ही नहीं रहा है ग्रोथ के लिए और ना ही उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, एंड ऑल्सो जो है ना आप अगर ऑयलिंग भी नहीं करेंगे तो और ज्यादा आपके बाल खराब होते जाएंगे एंड ऑल्सो ग्रे भी ज्यादा जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि आर्टियन शैम्पूस में जो है केमिकल्स होता है तो उससे ग्रे भी बहुत जल्दी होने लग जाते हैं। सो थिंक अबाउट दीज टू पॉइंट्स एंड लेट मी नो कि क्या आप इन दोनों में से कुछ ऐसा करते हैं, एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।